The night is young and the sky is clear. Gather round, it's that time of year when everybody's celebrating Hanukkah. A tale we will soon unfold of courage, light, and a miracle. Come on, let's celebrate Hanukkah. Good morning, everyone. Assalamu alaikum. Kaise aap sab? Alhamdulillah, main to bahut badhiya hoon. Aur aaj hai Dubai mein hamara second day. Aur time bahut kam pad raha hai hum log ko. क्योंकि जगह तो बहुत सारा है घूमने का. सो अभी हम लोग निकल गए हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन जाने के लिए. तो चलिए जाते हैं और जाते जाते मैं बात करती हूँ. तो कैब कर लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं बुर्ज अल अरब. प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे पास है 1 वीक और उस हिसाब से हम पूरा घूम नहीं पाएंगे. और इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक दिन में 2 या 3 स्पॉट हम लोग कवर करें. तो आज का हम लोग का प्लान है कि बुर्ज अल अरब जाएं और बाद में वहां से देखेंगे कुछ आसपास में अगर रहता है तो वहां पे घूम के आएंगे. हम लोग बेसिकली जा रहे हैं सूक मदीना जुमेरा में और वहां से बुर्ज अल अरब का जो व्यू है वो दिख जाता है अच्छे से. नहीं तो उसका अलग से टिकट लेना पड़ता है. तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से ही देख लेंगे, टिकट नहीं लेते अभी. और देखिए यहाँ पे रोड्स कितने अच्छे होते हैं, बहुत एकदम वाइड रोड्स होते हैं और साइड साइड में फ्लावर्स ऐसे लगा हुआ रहता है. मतलब क्लीन है, मेंटेन है. रूल्स रेगुलेशंस भी बहुत स्ट्रिक्ट है. आप कैसे भी रोड नहीं क्रॉस कर सकते, फिर गाड़ी पार्क करके कहीं भी उतर नहीं सकते. सो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी. सो हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे. बुर्ज अल अरब दिख रहा है यहाँ से और अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या है. यहाँ पे आके हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि लग नहीं रहा है कि अंदर कुछ मार्केट है. क्योंकि फ़ोटो में जो गूगल में दिखाता है अंदर मार्केट वगैरह है. तो अंदर जाते हैं, यहाँ से एंट्री है और यहाँ से अंदर जाते ही आप लोग को मिल जाएगा. देखिए यहाँ पे ही है. हम पहले सोच रहे थे किधर आ गए, यहाँ पर तो कोई मार्केट नहीं दिख रहा है. तो ये पूरा इनसाइड मार्केट एरिया है. यहाँ पर इतने सारे चीज़ें हैं और प्राइस भी बहुत ज़्यादा है. दुबई का एक चीज़ है, प्राइस भले ही ज़्यादा हो लेकिन क्वालिटी रहती है हर चीज़ में. तो यहाँ पर भी ऐसे चीज़ें हैं. यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है अबाया. अबाया के कलेक्शंस बहुत अच्छा है. यहाँ पे बहुत सारा मैंने देखा है, लेने के लिए देख रही थी लेकिन प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई है. लाइक इंडियन पैसे में 5-6 हज़ार का अबाया है एक एक. और ज़्यादातर होम डेकोर की चीज़ें ज़्यादा ही है. The night is young and the sky is clear. Gather round, it's that time of year when everybody's celebrating Hanukkah. We will soon unfold of courage, light, and a miracle. Come on, let's celebrate. अभी आ गए हम लोग बाहर की साइड और यहाँ पे अंदर आने के बाद आपको एग्जिट का भी डोर मिल जाएगा जो बाहर आके बुर्ज अल अरब और बीच के साइड जाता है. तो यहाँ पे देख सकते हैं बुर्ज अल अरब दिख रहा है और अंदर आके कोस्टा कैफ़े मिल जाएगा, उससे और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है. सो हमने यहाँ से देख लिया और हमने यहाँ पे जाने के लिए बुक नहीं किया क्योंकि उतना टाइम नहीं था, हमें और भी जगह पे जाना था. तो सोचा इस बार थोड़े थोड़े से देख लेते हैं, बाद में कभी जब आएंगे तो पूरा देखेंगे एकदम डिटेल में. सो इस बार थोड़ा थोड़ा देख के जा रहे हैं. अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और जगह बहुत अच्छा है फ़ोटो वोटो के लिए, तो मस्त है एकदम. तो अभी हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मीना बाज़ार. तो चलिए अभी वहाँ पे जाते हैं. दिन में
में आए हैं इसलिए थोड़ा रश कम है, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। और यहाँ पे चॉकलेट्स के तो बहुत सारे शॉप है, तो हमने सोचा पहले चॉकलेट्स ले लेते हैं, एटलीस्ट कुछ तो हम लें, क्योंकि अभी तक हमने कुछ नहीं लिया है, शॉपिंग तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सो यहाँ से हम लेते हैं चॉकलेट्स। यहाँ से ले लिया है चॉकलेट्स, अभी आगे बढ़ते हैं और क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक बांग्लादेशी शॉप मिला है जहाँ पे पाकिस्तानी जो लॉन के कपड़े हैं वो मिल रहे हैं रेडीमेड। तो मुझे ज़्यादातर रेडीमेड कपड़े पसंद है इसलिए मैं रेडीमेड ट्राई कर रही हूँ। ये एक पहना है, बहुत ही प्यारा है ये पिंक कलर में। इंडिया में कैसा है, लॉन के कपड़े मिलते हैं लेकिन वो क्वालिटी सही नहीं रहता है, तो ये तो बहुत अच्छा क्वालिटी का है, मैंने सोचा कि दो ले लूँ। तो यहाँ पर मैं चॉइस कर रही हूँ कौन सा लूँ और कौन सा नहीं लूँ। तो ये दोनों मैंने कंफर्म कर लिया, एक ये रेड और येलो में और ये वाला एक, और ये दोनों का प्राइस है 222 दिरहम, मतलब इंडिया के पैसे में हो गया 5000 के करीब। यहाँ पे ऐसे ही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको सस्ते नहीं मिलेंगे, इंडिया के हिसाब से अगर कन्वर्ट करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे, और भी चीज़ें लेना था लेकिन अभी टाइम कम है, क्योंकि हमें अचानक याद आया कि 3 बजे हमें डेजर्ट सफारी भी जाना है, वो भी बुकिंग कर लिया था। तो चलो अभी जाते हैं घर पे, और बहुत टाइम हो गया, अभी जाके नहाना है, फिर लंच भी करना है और उसके बाद जाना है डेजर्ट सफारी में। अभी तो 2 बज गए हैं तो जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ से 15 मिनट ही है। तो अभी जाते हैं घर पर और जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, रेडी होते हैं और फिर जाते हैं डेजर्ट सफारी।